राजस्थान में अब की बार बीजेपी सरकार या कांग्रेस सरकार ही रिपीट होगी या फिर राजस्थान की नई सरकार बनाने में आरएलपी गेम चेंजर बन पाएगी और सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल किंग मेकर की भूमिका में होंगे, ये पूरी तस्वीर अभी धुंधली है। जो राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में 25 नवंबर को मतदान व 3 दिसंबर को मतगणना के बाद साफ होगी। राजस्थान विधानसभा की 200 सीटों में भाजपा सभी 200 व कांग्रेस 199 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है। बहुमत के लिए 101 का आंकड़ा चाहिए। राजस्थान के रण में उतरने में क्षेत्रीय दल आरएलपी भी पीछे नहीं। आरएलपी ने 81 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं, जो राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 से 24 उम्मीदवार ज्यादा है। आरएलपी से 2018 में 57 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। हनुमान बेनीवाल, पुखराज गर्ग व इंदिरा बावरी भी जीत पाए थे, फिर उपचुनाव में एक और जीत मिली। इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव में आरएलपी ने 81 प्रत्याशी उतारे हैं। 15 से ज्यादा सीटें जीतने की उम्मीद भी जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो राजस्थान की सत्ता की चाबी आरएलपी व हनुमान बेनीवाल के हाथ में भी हो सकती है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में आरएलपी ने भीम सेना वाले चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी से गठबंधन किया है। एएसपी ने राजस्थान चुनाव में 50 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। आरएलपी व एएसपी के बीच इस बात को लेकर गठबंधन हुआ है कि दोनों पार्टी ने एक दूसरे के लिए सीटें छोड़ी, मतलब जहां आरएलपी प्रत्याशी है तो वहां एएसपी उम्मीदवार नहीं, और जहां एएसपी ने उतारे वहां आरएलपी ने नहीं उतारे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीपीके न्यूज़, जयपुर।